चलिए 8:30 बजे हैं और हर रोज इस वक्त हम आपको बताते हैं एक ऐसा स्टॉक जो दिन भर के नजरिए से आप देख सकते हैं, यानी हमारा स्टॉक ऑफ द डे। और आज मनीष मौजूद हैं न्यूज रूम से। बताइए मनीष, स्टॉक ऑफ द डे कौन सा चुना है आपने? धन्यवाद दिवाली। समानता पर स्टॉक ऑफ डे में हम खरीदारी के सौदे की बात करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन मैं आज बिकवाली के एक सौदे की बात करूंगा। मुझे लगता है कि इसमें गिरावट जोरदार देखने को मिल सकती है। हेक्सावेयर होगा आज का स्टॉक ऑफ डे, जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, कंपनी के जो नतीजे हैं कल मार्केट बंद होने के बाद हैं, नतीजे बेहद खराब देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, वहाँ भी एक गिरावट देखने को मिली है और एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जी बिजनेस का अनुमान था कि 106 करोड़ का प्रॉफिट होगा और ये जो है घट के जो है 84 करोड़ के आसपास हुआ है। इसके अलावा कंपनी के अगर इबिट की बात करें, वहां भी गिरावट देखने को लिए, जो अनुमान था उसके मुकाबले बेहद कम इबिट आया, लेकिन इबिटा मार्जिन देखिए, उस फ्रंट पे कंपनी का प्रदर्शन बेहद खराब देखने को मिला। मार्जिन जो था, हमें जी बिजनेस का जो अनुमान था करीब 16.5% के आसपास होना था, जबकि देखिए पिछली तिमाही के मुकाबले ये 14.5% से घटकर करीब 13% के आसपास होता हुआ दिखा है। तो ये कहने का एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा, इसकी वजह से लगता है कि शेयर में आज के ट्रेड में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉलर आय देखिए, वहां भी हमारा अनुमान बढ़ने का था, लेकिन डॉलर आय में भी है एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो फंडामेंटल रीजन हुए जिसके आधार पर लगता है कि शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए जब भी किसी कंपनी के नतीजे बेहद खराब देखने को मिले, बाजार ने उसको बहुत ज्यादा पनिश किया, खासतौर पर अगर वो शेयर एफएनओ साइड में ट्रेड होता हो। अब टेक्निकली देखिए, यह शेयर डेली चार्ट पे बेहद कमजोर है, तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखिए तो यह ऑलरेडी यह शेयर जो 100 वेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 वेमा जो इसका 227 का लेवल है, अगर यह लेवल टूटता है, जिसकी पूरी गुंजाइश है क्योंकि 227 के आसपास ही ट्रेड करा, तो फिर शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस शेयर का जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 200 बेमा निकल के आता है, जो 190 के आसपास आता है। इसी साल जनवरी में जब हम देखा था कुछ एक नतीजे आए थे, उसका शेयर में लगातार एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी कुछ खबरों के बाद, और इसने 208 रुपये तक का निचला स्तर छुआ था। इस बात की गुंजाइश है कि चूंकि नतीजे आज खराब आ रहे हैं, तो शेयर में गिरावट खराब आए हैं, तो गिरावट देखने को मिल सकती है। और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखिए, खासतौर पे पिछले अगर 8 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो इस शेयर में डिलीवरी बेस्ड बाइंग एकदम देखने को नहीं मिले, केवल 20-22% की डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, और कल के सत्र में तो ये करीब 10% के आसपास केवल डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी, यानी किसी को भी उम्मीद थी या आशंका थी कि नतीजे खराब देखने को मिल सकता, और इसलिए बहुत ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को नहीं मिले थी। आज के लिए बिकवाली करने की सलाह होगी, मुझे लगता है कि 217 रुपये तक का पहला लक्ष्य शेयर में हासिल होता हुआ दिख सकता है, 232 रुपये का लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा। 217 का अगर लक्ष्य हासिल हो जाता है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने टारगेट को रिवाइज करके भी चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज का स्टॉक ऑफ द डे देने के लिए। सेल कॉल है हेक्सावेयर, आज 217 का टारगेट, 232 का एक स्टॉप लॉस, लेकिन दीपाली ऑलरेडी भाप लेता है मार्केट जब ऐसे कुछ नतीजे आने वाले होते हैं। एक महीना पहले 272 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज कर रहा है 227 रुपये पे ट्रेड, यानी कि पहले ही बहुत ज्यादा शॉर्टिंग, और अन्य आईटी स्टॉक्स के मुकाबले हेक्सावेयर पे शॉर्टिंग बन चुकी है। वीक अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन देखिए जो भी हो, लेकिन मार्केट पे पहले यहाँ पर ट्रेंड पहले ही सेट हो जाता है स्टॉक पे। अविनाश, अगर जिनके पास भी हेक्सावेयर हो इस समय, आपकी राय क्या रहेगी आफ्टर दीज नंबर्स, किस लेवल पे आपको लगता है कि दोबारा री एंटर का चांस बन सकता है इस स्टॉक में? नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत आपने सही कहा कि स्टॉक काफ़ी ऊपरी लेवल से गिर चुका है, तो आई थिंक जो अभी डाउनसाइड है वो शायद और एक 7-8% रहेगा फ्रॉम द करंट लेवल्स, क्योंकि जिस प्रकार की कमेंट्री आई है वो भी कोई बड़ी पॉजिटिव मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई है। मार्जिन्स में जो प्रेशर दिखने लगा है वो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि अगर और एक क्वार्टर ऐसे ही मार्जिन्स में डिटोरिएशन होता है तो डेफिनेटली 190-200 विल बी पॉसिबली लोअर एंड सपोर्ट, और मिड इन द शॉर्ट टर्म कम से कम 214-215 का टारगेट है जो शायद यू नो स्टॉक अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरी राय है कि जिनके पास है वो शायद होल्ड करे, लेकिन अगर 200 का भी लेवल टूटता है तो मेरे ख्याल से एग्जिट करना ही ठीक रहेगा। जी, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पर अविनाश की ओर से। हेक्सावेयर में खराब अर्निंग्स भी आए हैं और टेक्निकली भी जो स्टॉक है वो वीक हो गया है, 227 के लेवल्स पर करीब स्टॉक क्लोज हुआ था, और ये तो बिल्कुल क्लियर फैक्ट है भी इस समय जिस तरह के सेंटिमेंट्स है रजत मार्केट में, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और प्योरली अगर अर्निंग्स के लिहाज से आप बनाएंगे तो वो इंटरेस्टिंग पैटर्न भी था। कल लेटर हाफ में आईटी स्टॉक्स जो थे, इन्फोसिस, कल बाजार टूट रहा था, इन्फोसिस बिल्कुल अपनी चाल चल रहा था, दिन के उच्चतम स्तर पे भी कहीं पहुंचता हुआ नजर आया। साथ ही साथ जो अन्य आईटी स्टॉक्स थे, एचसीएल टेक बहुत ज्यादा बेटा हुआ स्टॉक, निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर शो कर रहा है। माइनस क्या कुछ निचले स्तरों पर बॉटम फिशिंग देखते हैं, टेक्निकली कुछ बाउंस मिल रहा है इन स्टॉक्स पे, कोई स्ट्रेच, कोई ऐसा स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया आईटी सेक्टर पे? देखिए, केवल एक बाउंड बैक के लिए प्ले करना हो और एक से दो दिनों के लिए केवल प्ले करना हो तो स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ एसएल टेक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 725 के आसपास रहेंगे और मैं समझता हूं एक छोटा सा उछाल देखने को मिलेगा
जिसमें 750, 750, 760 के लेवल देखने को मिलेंगे, बट वहां पर प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी क्योंकि जो ट्रेंड है एससीएल टेक का या तो इन्फोसिस का, जो मेजर आईटी स्टॉक्स का, वो नेगेटिव दिखता है चार्ट्स पे, इसलिए उछाल पे आपको एग्जिट करना है, बट एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर दिखती है एससीएल टेक में। जी।